इग्निशिया सेंट इग्नेशियस बीन फैमिली लोगेनियपेसली स्वीटेड टू नर्वस टेम्परामेंट इग्नेशिया जनरली नर्वस नर्वस टेम्परामेंट को स्पेशली सुड होती है नर्वस टेम्परामेंट कहने का मतलब ऐसे लोग जो ईजिली एक्साइटेबल होते हैं वुमेन ऑफ अटिव इजिली एक्साइटेड नेचर ऐसी वुमेंस जो सेंसिटिव इजिली एक्साइटेबल नेचर की होती हैं डार्क हेयर इन स्किन बट माइल्ड डिस्पोजिशन जिनके हेयर्स डार्क हैं स्किन डार्क है लेकिन माइल्ड डिस्पोजिशन देखने को मिलता है मैंने जेंटल बिहेवियर देखने को मिलता है क्विक टू परसिव रैपिड इन एग्जीक्यूशन जो जल्दी सी चीज़ें समझ जाते हैं और एग्जीक्यूट करने में भी फास्ट होते हैं इन स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट विद द फेयर कॉम्प्लेक्स इन ईल्डिंग लेक्राइमोज बट स्लो एंड इन डिस तो यहाँ पर एक अनयूजल सा अपोजिट्स अपोजिशन देखने को मिलता है कि फेयर कॉम्प्लेक्शन है पर्सन ईल्डिंग है काम करने में बहुत आगे है साथ ही लेक्राइमोज मन ए टीयरफुल ईजिली वीपिंग लेकिन स्लो होता है इनडिसिव होता है अपने डिसीजन जो है वो क्विकली नहीं ले पाता ऐसा पल्सेटिलम भी देखने को मिलता है द रेमेडी ऑफ ग्रेट कंट्राडिक्शंस इग्निशिया जो है वो बहुत कंट्राडिक्शंस की रेमेडी है यहाँ पर चीज़ें बाकी मेडिसिन के जगह यहाँ पर अपोजिट दिखाई देती हैं द रोवरिंग इन ईयर्स एम्लोरिएटेड बाई म्यूजिक जनरली क्या होता है कि कानों में अगर किसी को डिनिटस हो रहा है बजिंग हो रही है तो वो शांत रहने से उसको अच्छा फील होता है आराम हो जाता है लेकिन यहाँ एम्लोरिएशन म्यूजिक से है द पाइल्स एमलोरेटेड वेन वॉकिंग जनरली क्या होता है कि पाइल्स में जब पर्सन शांत बैठता है रेस्ट पर होता है तो जो है वो आराम होता है लेकिन यहाँ वॉक करने पर एम्लोरिएशन देखने को मिलता है सोर थ्रोट फील्स एम्लोरेटेड वेन सोलोइंग सोर थ्रोट में आराम कब होता है स्वेलो करते टाइम एम्पटी फीलिंग इन स्टमक नॉट एम्लोरिएटेड बाई ईटिंग स्टमक की जो एम्पटी फीलिंग है वो खाने से उसमें आराम नहीं होता है कफ एग्रवेट्स द मोर ही कफ्स नॉर्मली क्या होता है कि जब आपको खांसी आ रही है तो दो तीन बार खांसने के बाद आपको आराम हो जाता है बट इग्निशिया के, के केस में आ, कफिंग जितना ज़्यादा कफ करेगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा कफ ऑन स्टैंडिंग स्टिल ड्यूरिंग अ वॉक जैसे चल रहा है तो जैसे ही रुकेगा वैसे ही उसको जो है खांसी आएगी ऐसे ही सिम्टम एस्टेकस फ्लैविएटिलिस में भी देखने को मिलता है स्पाजमोटिक लाट लाफ्टर फ्रॉम ग्रीफ कि बंदा दुख में होगा परेशान सा होगा और अचानक जो है वो हंसने लग जाएगा सडन आउटबर्स्ट होगा इवन इन्वॉलेंट्री लॉफिंग का सेक्सुअल डिजायर विद इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी के साथ सेक्सुअल डिजायर देखने को मिलेगी थर्स्ट ड्यूरिंग अचिल जब ठंड लग के बुखार आता है तो उस टाइम पे प्यास लगेगी नो थर्स ड्यूरिंग द फीवर फीवर के दौरान प्यास नहीं होगी द कलर चेंजेज इन द फेस वेन एट रेस्ट और जब पर्सन जो है वो रेस्ट कर रहा होगा तो फेस पे कलर uh, चेंज देखने को मिलेगा मेंटल कंडीशंस रेपिडली इन एंड ऑलमोस्ट इनक्रेडिबली शॉर्ट टाइम चेंज फ्राम जॉय टू सोरो फ्राम लाफिंग टू वेपिंग मेंटल कंडीशंस एकदम से चेंज हो जाती हैं बहुत शॉर्ट टाइम में कि पर्सन जो है वो हंस रहा है दुखी हो गया और हंस रहा है रोने लग गया ऐसे ही कॉफिया में भी देखने को मिलता है क्रॉकर सेटाइवस में भी देखने को मिलता है नक्स मोस्काटा में भी देखने को मिलता है यानी इग्निशा का पेशेंट बड़ा मूडी होता है कि उसका जो मूड है वो चेंज होता रहता है टली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड बाई लॉन्ग कंसनट्रेटेड ग्रीफ इग्निशा के पेशेंट ऐसे पर्सनस होते हैं जो मैंटली या फिजिकली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं लॉन्ग कंसनट्रेट ग्रीफ की वजह से दुख की वजह से इन्ेंट्री साइन के इन्वॉल्ट्री कहने का मतलब अपने विल में नहीं है बस में नहीं है और उसको सिस्कियाँ आती रहती हैं ऐसे लैकेसिस में भी देखने को मिलता है विद ए वीक एम्पटी फीलिंग एट पिट ऑफ अ स्टमक स्टमक में जो है वो बहुत वीकनेस सी फील होगी एम्पटी फीलिंग होगी नॉट एमलटेड बाई ईटिंग और खाने से इसमें आराम नहीं मिलेगा ऐसा हाइड्रस्टिस में और सीपिया में भी देखने को मिलता है बैड इफेक्ट्स ऑफ एंगर ग्रीफ और डिसअपॉइंटेड लव एंगर की वजह से बैड इफेक्ट्स हुए हूँ ग्रीफ की वजह से दिक्कत हो या डिसअपॉइंटेड लव की वजह से दिक्कत हो तो वहाँ पर होता होता है 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 इसके अलावा भी का मतलब होता है, over करना कि अकेले पड़ा पड़ा ऐसे सोचता रहेगा इमेजनरी ट्रबल्स क्रिएट करेगा डिजायर टू बी अलोन इग्निशिया का जो पेशेंट है वो अकेले रहना चाहेगा फाइनली सेंसिटिव मूड डेलीकेट कॉन्सियसनेस बहुत सेंसिटिव मूड होता है और इसकी जो कंसियसनेस है बहुत डेलिकेट होगी नाजुक सी होगी इनकॉन्स्टेंट इम्पेशेंट इरेजल्यूट एंड क्वेरलसम पेशेंट कैसा है इनकॉन्सटेंट कहने का मतलब जो इरेगुलर बिहेवियर है इम्पेश माने रेस्टलेस इजल्यूट मतलब जिसको हेजिटेशन होता हो क्वेरलसम मतलब लड़ाकू पेशेंट हो एमियेबल इन डिस्पोजिशन इज फीलिंग वेल एम्बियबल मन ए फ्रेंडली तो अगर उसको अच्छा फील हो रहा है तो बड़ा फ्रेंडली बिहेव करेगा बट इजिली डिस्टर्बड बाई वेरी स्लाइट इमोशन लेकिन हल्का सा भी इमोशनल चेंज आया तो बड़ी जल्दी जो है वो डिस्टर्बड हो जाता है ईजिली ऑफेंडेड जल्दी से बुरा मान जाता है द स्लाइटेस्ट फॉल्ट फाइंडिंग और कंट्रडिक्शन एक्साइट्स एंगर एंड दिस मेक्स हिम एंग्री विथ हिम सेल्फ थोड़ा सा भी फॉल्ट फाइंडिंग उसमें किसी ने गलती निकाल दी या कंट्राडिक्शन अपोजिट बोल दिया तो उससे इग्निशिया के पेशेंट को गुस्सा आ जाता है और इससे वो खुद से भी नाराज हो जाते हैं दिस मेक्स हिम एंग्री विद हिमसेल्फ चिल्ड्रेन व्हेन रिप्रीमैंडेड स्कोल्डेड और सेंड टू बेड गेट सिक और हैव कन्वर्जेंस इन स्लीप ऐसे बच्चे जिनको आ, मना कर दिया जाए या मतलब कुछ करना चाह रहे जैसे खेलना चाह रहे थे या टी देखना चाह रहे थे उनको डांट दिया उनको मना कर दिया तो और ज़बरदस्ती उनको बेड पे भेज दिया तो उसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं या नींद में उनको जो है वो कन्वर्जेंस आते हैं इल इफेक्ट्स फ्रॉम बैड न्यूज़ फ्रॉम वैक्सीसन विद रिजर्व डिस्प्लेजर फ्रॉम सपरेस्ट मेंटल सफरिंग्स ऑफ शेम एंड मोटिफिकेसन सो इग्नीशिया जो है वो ऐसी कंडीशन में भी वेल इंडिकेटेड रेमेडी है जैसे बैड न्यूज़ की वजह से दिक्कत आई हो वैक्सीसन मतलब फ्रस्ट्रेशन की वजह से रिजर्व डिस्प्लेजर फ्रॉम सप्रेस्ड मेंटल सफरिंग्स की मेंटली पर्सन बहुत परेशान हो सप्रेस्ड वो जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाया दब गया फीलिंग ऑफ सेम एन मोटिफिकेशन या बेजती हुई हो सेल्फ प्रेस्टिज का लॉस हुआ हो ऐसा स्टेप इस ग्रेशिया में भी देखने को मिलता हैड एक एज इफ अल वॉज ड्रिवन आउट थ्रू द साइड हेड एक ऐसे होते हैं जैसे कोई कील ठोकर हो रिलीव्ड बाई लाइंग ऑन इट और उस तरफ लेटने से जो है वो आराम हो जाता है उसी साइड लेटने से जिस साइड पेन हो रहा है तो ऐसा कॉफिया में नक्स में और थ्रुजा में भी देखने को मिलता है कैन नॉट बी बियर टबैको स्मोकिंग और बींग इन टबैको स्मोक देखिए ये बड़ा क्लियर कट सिम्टम है कि तम्बाकू इसको बर्दाश्त नहीं होगा स्मोकिंग बर्दाश्त नहीं होगा टबैको के स्मोक जो है वो उसको बियर नहीं कर सकता प्रोड्यूसेस और एग्रेवेट्स हेडेक इससे जो है वो या तो हेडेक हो जाता है या एग्रेवेट हो जाता है इन टॉकिंग और चुइंग बाइट्स इन साइड ऑफ चीक तो ईजीली एक्साइटेबल था ना स्टार्टिंग में तो so, उसकी वजह से क्या होता है कि जब बात कर रहा होगा या चबा रहा होगा तो अपना गाल अंदर से काट लेगा स्वेट ऑन फेस ऑन ए स्मॉल स्पॉट ऑनली वाई लीटिंग सिर्फ खाते समय इसको पसीना होता है और स्मॉल स्पॉट में ही होता है ओवर सेंसिटिव टू पेन इग्निशिया का पेशेंट पेन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है ऐसा कॉफिया में और कैमोमिला में भी देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन फ्रॉम कैरियर्स राइडिंग इसमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है कब गाड़ी में जाने से ऑफ अ पैरालिटिक ऑरिजिन ये पैरालिटिक ऑरिजिन का होता है पैरालिस से विद एक्सेसिव अर्जिंग फेल्ट मोर इन अपर एबडोमिन कि अर्जिंग बहुत ज़्यादा होती है बार बार पॉटी जाने की इच्छा होती है मोर इन अपर एबडोमिन अपर एबडोमिन में ज़्यादा ऐसी फीलिंग आती है ऐसे वेराटर में भी देखने को मिलता है विद ग्रेट पेन रीड्स टू गो टू द क्लोज इट और दर्द बहुत ज़्यादा होता है कॉन्स्टिपेशन में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मतलब वो वॉशरूम जाने से भी डरेगा इन वुमेन हु आर हैबिचुअल कॉफी ड्रिंकर्स और ऐसी uh, my, ऐसी फीमेल्स का कॉन्स्टिपेशन जो हैबिचुअल कॉफी ड्रिंकर्स हैं प्रोलैप्सिस एन आई यानी रेक्टल प्रोलैप्स देखने को मिलता है विद मॉडरेट स्टेनिंग एट स्टूल की स्टूल करते समय ज़रा सा भी जोर लगाने पे जो है वो रेक्टल uh, प्रोलैप्स देखने को मिलता है स्टूपिंग और लिफ्टिंग झुकने की वजह से या कुछ उठाने की वजह से प्रोलेपस एनाई हो जाता है ऐसा नाइट्रिक एसिड में पोडोफाइल में और रूटा में भी देखने को मिलता है एग्रवेटेड वेन द स्टूल इज लूज और नॉर्मली क्या होना चाहिए कि भाई स्टूल जब लूज हो तो आराम हो जाना चाहिए बट यहां पर क्या है यहाँ एग्रवेशन होगा जब स्टूल लूज होगा तो हेमराइड्स प्रोलेप्स विद एवरी स्टूल हेमराइड्स यानी वही पाइल्स है तो हर बार स्टूल के साथ प्रोलैप्स हो जाएगा रेक्टल प्रोलैप्स हैव टू बी रीप्लेस्ड और ऐसे मतलब उसको रखना पड़ेगा अपने प्लेस पे रेक्टम को सार्प स्टिचेज शूट अप द रेक्टम रेक्टम में ऐसे सार्प स्टिचिंग पेन होगा नाइट्रिक एसिड जैसा एग्रेवेटेड फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल स्टूल के बाद कई घंटों तक ये पेन होता रहेगा ऐसा रिटेनिया में और सल्फर में भी देखने को मिलता है ट्विचिंग्स जर्किंग्स इवन स्पाजम्स ऑफ सिंगल लिम्स और होल बॉडी वन फॉलिंग अ स्लीप सोते समय क्या होगा जर्किंग होगी स्पाज्म होगा चाहे सिंगल लिम्स का हो या पूरी बॉडी का हो जब सो रहा होगा तो उस टाइम पे ये जर्किंग स्पाज्म ट्विचिंग देखने को मिलेगी पेन इन स्मॉल सर्कमस स्पॉट्स पेन कैसा होगा फिक्स्ड स्पॉट में होगा छोटे छोटे स्पॉट्स में पेन होगा फीवर फीवर में कैसा होता है कि निशा का पेशेंट रेड फेस ड्यूरिंग चिल ठंड लगेगी उस टाइम पे फेस इसका रेड होगा ऐसा फेरम में भी देखने को मिलता है चिल विद थर्स्ट ड्यूरिंग चिल ओनली। तो जब ठंड लगेगी तो उस टाइम पे इसको प्यास लगेगी और प्यास जो है वो ठंड लगते समय ही होगी एम्बलटेड बाई एक्सटर्नल हीट बाहर से हीट देने पे इसको पेशेंट को आराम हो जाएगा हीट विदाउट थर्स्ट और जब फीवर आएगा जब हीट होगी तो प्यास नहीं होगी एग्रेवेटेड बाई कवरिंग अगर कवर कर दिया तो बढ़ेगा फ़ीवर जो है वो बढ़ता है एमलुडियेटेड बाई कवरिंग अगर फीवर में पेशेंट है उसको कवर कर दिया तो आराम मिल रहा है तो नक्स वोमी का इंडिकेट होता है कंप्लेंट्स रिटर्न एट प्रिसाइजली द सेम आवर कम्प्लेंट्स है वो पीरियडिक होती हैं और बार बार रिटर्न होती हैं सेम आवर पे रिटर्न होगी इग्निशिया बी द सेम रिलेशन टू द डिजीज़ेस ऑफ वुमेन दैट नक्स डज टू सेंग्वाइन बिलियस मैन इग्निशिया जो है वो सेम रिलेशन होता है वो वुमेन की डिजीजेज के लिए जैसे नक्स जो है वो सैंगवाइन जो रेडिस फेस वाले बिलियस मैन है उनके लिए होता है देर आर मैनी मोर इग्नि डॉक्टर हेरिंग ने कहा था कि इग्निशिया है वो नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा हैं नक्स भूमिका पर्सन के कम्पेरिजन में रिलेशन की बात की जाए तो इग्निशिया इज इनकम्पैटिबल टू कॉफिया नक्स एंड टबैकम द बैड इफेक्ट ऑफ इग्निशियाड बाईपल्स तो इग्निशिया जो है वो इनकम्पैटिबल है कॉफिया के नक्स के और टबैकम के इग्निशिया के जो बैड इफेक्ट्स हैं वो एंटीडोट एंटीडोड किए जाते हैं पल्सेटिला के द्वारा एग्रवेशन किन किन चीज़ों से होता है सो एग्रवेशन फ्रॉम टोबैको कॉफी ब्रांडी कंटैक्ट मोशन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स मेंटल इमोशंस एंड ग्रीफ एग्रवेशन देखने को मिलता है टोबैको से कॉफ़ी से ब्रांडी से या कंटैक्ट से मोशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स कुछ लोग डी नहीं लगाए रहते हैं तो उसकी वजह से इसमें एग्रवेशन देखने को मिलता है मेंटल इमोशंस की वजह से दुख की वजह से एमलोरिएशन वार्म्थ से हार्ड प्रेशर से सिंकोना में भी, भी ऐसा देखने को मिलता है स्वेलोइंग से आराम होता है वॉकिंग से आराम होता है चलने फिरने से थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स कमेंट द टॉपिक्स यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज ऑन होम्योपैथी